Hi everyone, welcome back to your academy that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. सो फाइनली फाइनलीट का ऑफिशियल अब की बात टॉपिक वाइज सिलेबस आ गया है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कि आप सी के सेक्शन को मतलब सी कह दो या मैं हमेशा साइकोलॉजी कहती हूँ तो कन्फ्यूज मत होना कि आप साइकोलॉजी या सी के सेक्शन को किस तरीके से रेडी करेंगे आपने जो पढ़ लिया है उसमें से क्या आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना और क्या अब है जो आपको पढ़ाई करनी है तो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं ठीक है दीपिका अकेडमी पर फोन कर लेना एक्सटेंड कर देंगे तो हम सीडीपी के बैच की बात करेंगे बुक की भी बात करूंगी कि बुक में से कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं क्या चेंज है सारा इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे सीडीपी से रिलेटेड ठीक है तो ये है भाई सीडीपी का सिलेबस एक मिनट हिंदी इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है एसेट दो प्लेलिस्ट होगी उसके अंदर आप चेक कर लेना हाँ देखिएगा सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तीनों लेवल में सेम ही टॉपिक है बस डिफरेंस क्या होगा क्वेश्चंस का जो लेवल होगा ना वो इधर से उधर हो जाएगा जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो अप-डाउन हो जाएगा बट जो टॉपिक है जो कंटेंट है उसमें कोई अप-डाउन नहीं है बस लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है आपका चेंज हो जाएगा ठीक है तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा आपने कितना पढ़ लिया है और क्या आपका पढ़ना बाकी है और क्या नया है पहली बात तो कुछ नया नहीं है ठीक है मैं साइकोलॉजी पहले ज्यादा ही पढ़ाती थी अब कम हुई है और कुछ नहीं है ठीक है हम साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा पढ़ाती थी मैं थर्टी आउट ऑफ थर्टी के चक्कर में अब तो सिलेबस कम हुआ है कुछ टॉपिक्स कम हुए हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आज तक एसेड में पूछे नहीं गए थे वो एड ऑन कर दिए लेकिन उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाते ही थे क्योंकि वो सीटेट में काम आ जाते थे बच्चों को देखिएगा तो यहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद द लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड द चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस हेरिडिटी एंड एवायरमेंट मतलब ये वही टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट करके जो दो से तीन चार क्लास में हमने पढ़ा था जिसके अंदर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन है उसके बाद आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत है फिर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट और वातावरण और हेरिडिटी पर क्या प्रभाव जिसके अंदर हेरिडिटी उसके नियम सब कुछ ठीक है तो ये वही टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट तो डन ठीक है साथ साथ देखते जाओ कि ये डन हो चुका क्योंकि ऐप एंड यूट्यूब पे दोनों पे है तो यूट्यूब वाले ये मत कहना कि मैम कहाँ डन हुआ है क्योंकि तो ऐप पे मैं जो चीजें पढ़ा चुकी हूँ मैं उसको साथ साथ बता रही हूं तो ये टॉपिक ऑलरेडी डन है नो इश्यू एट ऑल

इको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सिगमेंट फ्रायड की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं अच्छा कट नहीं है सिगमन फ्रायड सेक्सो सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी हमने बहुत स्पेशल फ्रायड को स्पेशल पढ़ रखा है तो फ्रायड ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी में कोई चेंज नहीं है किसी को दिक्कत नहीं है जो टॉपिक पढ़ाए हैं सारे के सारे एज इट इज काम आएंगे ठीक है एरिक्सन थ्योरी एरिक्सन की थ्योरी यहां पर दी हुई है एरिक एरिक्सन तो एरिक्सन का सिद्धांत मैं पढ़ा चुकी हूं ये डन हो चुका है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्रिटिकल इंटेलिजेंस मतलब पर जो वाला चैप्टर है फुल फ्लैश बुद्धि वाला चैप्टर है ये आपका आने वाला दीपिका बार बार कमेंट मत कीजिए अकेडमी पर फोन कर लीजिए आपका एक्सटेंड हो जाएगा ठीक है देखिये तो यहां पर एक साल हो चुका ना उस चीज को तो सीधी सी बात है आप इस चीज के लिए फोन करें प्लीज बार बार यहां मैसेज ना करें तो यहां पर आप देखिएगा तो ये इंटेलिजेंस है मतलब बुद्धि का चैप्टर है आपको पढ़ना है फिर यहां पर मल्टी डाइमिनेशनल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं तो आपको यही पढ़ना है लैंग्वेज एंड थॉट्स जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब यहां पर यह वाला टॉपिक अभी पढ़ना बाकी था जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट जेंडर का थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूं ध्यान कोहल बर का जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है वो वाला कॉन्सेप्ट साथ साथ आएगा ये अडोलसेंस जेंडर कॉन्सेप्ट साथ में कुछ जेंडर बाइसिस का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बताया था सा टॉपिक बचे हुए हैं ये वही साता टॉपिक है कुछ नहीं है मतलब साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है जो हमने पढ़ा वही है ठीक है ठीके? तो यहाँ पर जेंडर बाइसिस जेंडर रोल मतलब ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है लड़के लड़कियों वाला दस मिनट का टॉपिक है ठीक है इंडिविजुअल डिफरेंसिस हमने परसों पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंसिस हम पढ़ चुके हैं अमंग द लर्निंग के बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेज कैसा होता है एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस ऑफ द डाइवर्सिटीज ऑफ लैंग्वेज कास्ट जेंडर एंड कम्युनिटी मतलब यही कि जेंडर डिफरेंसेज कैसे कैसे होते हैं इंडिविजुअल डिफ्रेंस कैसे होते हैं सब कुछ वही है वी हैव ऑलरेडी दिस टॉपिक ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं ठीक है फिर है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग ये टॉपिक अपना चल ही रहा है पार्ट वन हमने कल पढ़ा था इसका ब्लूम टेक्सोमी इवेल्युएशन आज इसका पार्ट टू है जिसके अंदर असेसमेंट मेजरमेंट ही है ठीक है तो ये वही टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन द असेसमेंट लर्निंग असेसमेंट ऑफ द स्कूल कॉन्टिन्यूस एंड ये मतलब अपना पार्ट टू एंड पार्ट थ्री मैंने कहा था इवेल्युएशन तीन पार्ट में होगा बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसका ये वही है पार्ट टू जो आज हम शाम को पढ़ने वाले हैं ठीक है तो असेसमेंट है कॉम्प्रसिव इवेलुएशन हमने कल पढ़ लिया है ठीक है और बस ये असेसमेंट मेजरमेंट आज पढ़ लेंगे तो आज ही खत्म हो जाएगा शायद ये टॉपिक ठीक है सीसी के अंदर इंक्लूड होता है फॉर्मेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर द असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ द लर्नर्स एनहांसिंग लर्निंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ क्लास रूम असेसिंग लर्निंग अचीवमेंट ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जनरल सेंस वाला कि भाई बच्चे हैं क्लास रूम में तो आप उनकी लर्निंग को कैसे एनहांस करेंगे मतलब ये कॉमन सेंस बेस क्वेश्चन आप कह सकते हो ठीक है फिर यहाँ पर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है समावेशी शिक्षा है छोटा सा कॉन्सेप्ट है हम पढ़ चुके हैं जो इंडिविजुअल uh, डिफरेंसेस के अंदर तो इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन का मतलब है यहाँ पर हमने वो सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो हमने पढ़े थे ठीक है ना नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट यहाँ पर जो हमने वो वाला पढ़ा था ना डिसेबिलिटी वाला जो चैप्टर पढ़ा था आरपीडी एक्ट पढ़ा था डिसेबिलिटी पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंसेज के जो पार्ट पढ़े थे दो तीन ये वही चैप्टर है पूरा ठीक है तो इस चैप्टर को हम ऑलरेडी कर चुके हैं

बंडूरा सोशल लर्निंग लर्निंग अल्बर्ट का सिद्धांत जो की थ्योरी में हमने अल्बर्ट मेंंडूरा पढ़ा था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट वाला तो ये वाला है ठीक है कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल परसपेक्टिव यहाँ पर आपका मतलब अल्बर्ट uh, वंडूरा की थ्योरी को पढ़ना है फिर आपको यहां पर मोटिवेशन का चैप्टर पढ़ना है जो हम पढ़ चुके हैं फिर आपको लर्निंग का चैप्टर पढ़ना है जो हम पढ़ चुके हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लर्निंग पर्सनल एनवायरमेंट अब यहां पर क्या है कुछ भी नहीं बचा अपना जो अपना साइकोलॉजी का चल रहा था वही सेम है फिर यहां पर इन्होंने साइकोलॉजी के पेडागोजील क्वेश्चन ऐड कर दिए अब ये जो पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं ये कुछ भी नहीं होते ये पांच क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेंगे पांच सात क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन होते हैं बाकी देखो वही है साइकोलॉजी में कोई चक्कर नहीं है बीस के बीस क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल सारे टॉपिक गिवन है तो उन्ही टॉपिक से आने वाले हैं ठीक है हाँ तो यहां पर जो ये पैरागोजी है ये कि बच्चा कुछ नहीं है ये इनको देख के तुम पता नहीं क्यों पागल हो जाते हो है क्या ये हाउ डू चिल्ड्रन थिंक बच्चा कैसे सोचेगा बच्चा कैसे अचीव करेगा बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस क्या होगा अरे भाई ये टॉपिक पढ़ने के नहीं होते आप अध्यापक बनने जा रहे हो आपको पता है एक बच्चा स्कूल में क्या करेगा आप एक टीचर हो क्लास को कैसे हैंडल करोगे कैसे नहीं हैंडल करोगे ठीक है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रन स्ट्रेटेजीज टीचिंग की स्ट्रेटीज है जो मैंने इसके अंदर पढ़ाई थी तुम्हें क्या बोलते हैं एचपीएससी के अंदर पढ़ाई थी टीचिंग स्ट्रेडी

टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं जो टीचिंग की मैंने दो क्लास पढ़ाई थी मेथड वेथड वाली करके ये उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है चाइल्ड एज ए साइंटिफिक मतलब जो बच्चा है ये जीन प्याजे के हिसाब से नन्हे वैज्ञानिक तो बच्चे क्वेश्चन है तो देखो भाई साइकोलॉजी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है साइकोलॉजी के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं है जिसने भी सी डी हाँ एनईपी इन्होंने नहीं दिया आरटी इन्होंने नहीं दिया लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनेगा इन्होंने एन एनईपी और आरटीई को नहीं लिखा है लेकिन आपको ये दोनों चैप्टर पढ़ के जाने हैं रीजन पूछो क्यों पढ़ के जाने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे का एक मिनट एक सेकेंड एक सेकेंड देखो इन्होंने डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा आर टी और एनसीएफ मेरी बात ध्यान से सुनेगा आरटीई और एनसीएफ इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा ना कहीं भी आरटीई एनसीएफ और एनईपी इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कोई फर्क नहीं पड़ता आप दो टॉपिक पढ़ जाओगे तो लेकिन आप पढ़ के जाओगे क्योंकि मेरा मन कहता है एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा क्योंकि जो चिल्ड्रन की लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें जो टीचिंग के मेथोलोजीज हैं तो उसमें टीचिंग की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं आती हैं ठीक है अब बात आती है कि मैम हमने बैच में पढ़ा है तो उसमें अब क्या हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया और क्या नहीं तो एक मिनट मैं दिखा देती हूँ भाई जो स्टूडेंट नए हैं जो हमसे पहली बार जुड़े हैं तो अचीवर्स अकेडमी ऐप पर अपना बैच चल रहा है ठीक है हाँ बुक में से बता देती हूँ क्या है ये अपना बैच है स्टेट का लाइव बैच इसको हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे हिंदी इंग्लिश खत्म होगी थी लेकिन वो आज से मैं दोबारा पढ़ाऊंगी ये जो कंटेंट है ये 2022 का कंटेंट है इसको किसी को नहीं पढ़ना है ये 2023 का है जिसमें हम लाइव पढ़ रहे थे तो सीडीपी साइकोलॉजी आपकी वही है ठीक है सीडीपी साइकोलॉजी आपकी यही रहेगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है जिसमें सारे टॉपिक्स हैं उसमें से मैं बता देती हूँ कौन से टॉपिक आप छोड़ दो जो हम पढ़ चुके हैं ठीक है अभी मैं आपको बता देती हूँ और बाकी हम जो पढ़ चुके हैं उसमें एक पर्सनैलिटी लगा लो पर्सनैलिटी का टॉपिक हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था तो अब आप चाहो तो रिविजन के लिए क्विक कर सकते हो बट मैं उसको डिसेबल नहीं करूंगी एक चैप्टर से कोई आफत नहीं आती बाकी सब कुछ सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं ठीक है बाकी ये हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर फिलहाल मत पढ़ना आज से नई शुरू करूंगी जो नए सिलेबस वाली है वो वाली पढ़ना है आपको ठीक है ये अब मत पढ़ना बट ये कॉम्प्लीमेंट्री आपके बैच में ही रहेंगी आप आगे चंडीगढ़ दे रहे हो डी एस दे रहे हो ये तुम्हारा भगवान ने फायदा कर दिया ठीक है खाली एस्टेट के लिए आते तो, तो इतना सा पढ़ाना पड़ता ये मैंने दो महीने की पूरी मेहनत तुम्हें समर्पित कर दी है तुम्हारे आगे के एग्जाम में काम आ जाएगी अब देखो जो हम पढ़ चुके हैं मैं एक बार बता देती हूँ ये सी डी पी साइकोलोजी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सी डी पी आपको पढ़नी ही पढ़नी है इंटेलिजेंस का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फाइव पार्ट सिक्स पार्ट फाइव तक इंटेलिजेंस आपको पढ़नी है ठीक है फिर लर्निंग के एक दो तीन चार पांच छह पार्ट हैं जो ये भी आपको एज इट इज पढ़ने चाइल्ड डेवलपमेंट के चारों पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट वन टू थ्री फोर ये भी आपको एज इट इज पढ़ने हैं जीन प्याजे के दोनों पार्ट भी आपको एज इट इज पढ़ने हैं कोहलबर्ग भी पढ़ना है सिगमन फ्राइड भी पढ़ना है दोनों पार्ट मोटिवेशन भी पढ़ना है पार्ट वन पार्ट टू ब्रॉन ब्रेनर की थ्योरी सिलेबस में नहीं है ठीक है चाहो तो क्लास नंबर तेईस को आप मत पढ़ना बट एक क्लास है मेरे को तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता मैं अभी इन क्लासों को कोई गायब या वो नहीं करूंगी क्योंकि एक क्लास में कुछ नहीं है फिर एरिक्सन आपको पढ़ना है फिर यहाँ पर क्लास पच्चीस से लेके क्लास अट्ठाईस तक पर्सनैलिटी है क्लास पच्चीस से लेके आप लिख लो कि जो क्लास आपको नहीं पढ़नी आप उसको मत दोहराना ठीक है फिर आपको ना दिक्कत नहीं होगी कि मैडम क्या बता रही है और क्या नहीं देखो क्लास नंबर कहो तो बीच में से डिसेबल्ड कर दूंगी तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं डिसेबल्ड करूं बीच में से क्योंकि ये पढ़ी रहेगी आगे तुम्हारे डीएसएसवी पेपर वन में काम आ जाएगी मैं तो अब इसको कुछ भी नहीं करती एक मिनट हाँ क्लास नंबर बाईस को आप छोड़ देना ठीक है क्लास नंबर को आप छोड़ देना मत पढ़ना चौबीस एरिक्सन पढ़नी है क्लास नंबर पच्चीस से लेके क्लास नंबर क्लास क्लास नंबर नंबर से लेके 28 मैंने अट्ठाईसिटी पढ़ाया हुआ है चार क्लास में तो आप चाहो तो पर्सनलिटी को स्किप कर सकते हो ठीक है फिर एडजस्टमेंट इन्होंने नहीं दिया लेकिन इस इनमें इन्होंने बच्चे की कुछ वो दे रखी है कैरेक्टरिस्टिक वगैरह तो वहां पर एडजस्टमेंट आ सकता है तो एडजस्टमेंट को आप पढ़ लेना एडजस्टमेंट फिर मेमरी का चैप्टर है जैसे मेमरी लेकिन छोटा सा चैप्टर है क्योंकि बच्चे की जो ऑर्गनिज्म वगैरह होते हैं ना इनके अंदर मेमरी वेमरी ऑटोमेटिक आ जाता है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं मेमरी का ठीक है इंडिविजुअल डिफ्रेंसिस तो पढ़ना है डिसेबिलिटी पढ़ना है आर आरटी पढ़ लेना बेशक सिलेबस में नहीं है बट आप पढ़ लेना प्लीज एक वीडियो से कुछ नहीं होता एनसीए पढ़ लेना ये टीचिंग मेथड तो पढ़ना ही पढ़ने हैं टीचिंग स्ट्रेटजी अब थिंकिंग थिंकिंग भी पढ़ लेना और एनईपी और कल हम इवेलुएशन पढ़ ही रहे थे पार्ट वन आज हम क्लास नंबर थर्टी नाइन पढ़ेंगे क्लास नंबर कुछ भी नहीं बचा अपना साइकोलॉजी वैसी है जो पहले वाली थी ठीक है लगभग सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पर आज मैं असेसमेंट मेजरमेंट करवा दूंगी फिर इसके बाद क्लास नंबर आपकी जेंडर हो जाएगी बल्कि अपने टॉपिक तो कम हुए हैं ब्रोक ब्रोकावर्निक जो मैंने करवाने थे दुनिया भर के और कम हो गए ठीक है और क्लास नंबर फोर्टी वन यहाँ पर टीएलएम से हो जाएगी बट वो तो मैं हिंदी इंग्लिश में भी करवाऊंगी तो यहां पर एक ही जगह हो जाएगी तो कुछ नहीं है साइकोलॉजी की तो वही गिनती की पांच सात ही क्लास बची है ठीक है दस लगा दो ज्यादा से ज्यादा सॉरी पैडागोजी कल इश्यूज़ मिला मिलू के दस नवंबर डेट्स इट ठीक है दस नवंबर तक आपका सीडीपी बिल्कुल सौ परसेंट में खत्म कर दूंगी पहले पांच नवंबर तक करना था अब दस नवंबर तक पहले भी दस नवंबर तक ही करना था पहले कुछ और टॉपिक थे जो मुझे करवाने थे रुचि अभिरुचि ब्रोका वर्निक अब वो कट हो गए बात तो बराबर है साइकोलॉजी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है ठीक है हाँ क्रिएटिविटी करवाऊंगी क्रिएटिविटी करवाऊंगी क्रिएटिव चाइल्ड है ना तो क्रिएटिविटी के चैप्टर को मैं मिस नहीं करूंगी मैं करवाऊंगी ठीक है तो सीडीपी आपका वही सीडीपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है बस आप चाहो तो ये पांच छह क्लास है पर्सनैलिटी और ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर जी मैं तो छोड़ देना वरना मत छोड़ना पूछ लेते हैं ठीक है पर्सनैलिटी की मर्जी है तुम्हारी बट मेरे को लग रहा है क्या ही छोड़ना ठीक है भाई तो ये था सी डी पी का एंड होप सो अब किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बाकी जितनी भी क्लास बची है मैं उनको पढ़ा दूंगी दस क्लास लूंगी बस रिमेनिंग जो भी है जो भी पैडागोजिकल इश्यूज है जो भी पॉइंट है वो ऐड हो जाएंगे मतलब नियर अबाउट फिफ्टी क्लास हो जाएंगी बहुत है फिफ्टी क्लास सिलेबस पहले से कम हो गया बल्कि पहले की क्लास अभी मैंने रुचि करवानी थी अभी रुचि बची थी एप्टीट्यूड बचा था ब्रोका बचा था वर्निक बचा था प्रीमेक थ्योरी बची थी अब ये ये कोई करवाने की जरूरत नहीं ये पांच छह चैप्टर कम हो गए ठीक है हाँ, तो इन पांचों चैप्टर को जरूरत नहीं अब बात आती है जिसके पास मेरी बुक है कि मैडम बुक का बुक में आपको कोई नुकसान नहीं है बुक एज इट इज आपको यूं क्यों काम आएगी भाई ध्यान से सुन लो हमारी ये साइकोलॉजी की बुक है ठीक है ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में हर जगह अवेल है बुक के अंदर सब कुछ देख लो भाई सारे टॉपिक है इसके अंदर इसके अंदर सारे टॉपिक है एज इट इज कोई दिक्कत नहीं है वही आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है वही ब्रूनर है प्याजे है वही वाइगोस्की है वही एरिक्सन है ये ये छोड़ देना बुक में कौन से टॉपिक छोड़ने हैं सुन लो चैप्टर नंबर दस मत करना बुक का चैप्टर नंबर ग्यारह मत करना चैप्टर नंबर बारह मत करना तेरा, ये, ये क्या निकाली थी कि हर टेट एग्जाम के लिए है तो मैंने उसमें रीट के सी टेट के क्वेश्चन पहले ही डाल दिए थे तो इसलिए जिसके पास बुक है तो उसको तो एज इट इज अ बुक बुक के, बुक में ज्यादा ही कंटेंट है मेरा ठीक है तो आप चैप्टर नंबर दस छोड़ देना चैप्टर नंबर ग्यारह छोड़ देना चैप्टर नंबर बारह ये तीन चैप्टर छोड़ देना और बाकी ये सारा जो नया एड हुआ है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है क्योंकि मेरी आदत थी कि मेरी बुक हर टेट एग्जाम में काम आए तो ये जो नई बातें हैं ये ये सारा यहाँ पर है टीचिंग लर्निंग मैगजीन टीचिंग मैथड माइक्रो टीचिंग सब कुछ यहाँ पर है ठीक है और इमोशन जो नया एड हुआ है ये मैंने पहले से ही ऐड कर रखे हैं ठीक है तो बुक के अंदर बस ये चैप्टर छोड़ देना आप ये वाला चैप्टर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी बस ये तीन चार चैप्टर छोड़ने आपको बुक में जो मैंने वहां पर कंटेंट में छुड़वाए हैं बाकी आपको कुछ नहीं छोड़ना है ठीक है भाई तो ये था हां यूट्यूब पर साइकोलॉजी की ऐप पर कंप्लीट है साइकोलॉजी स्पेशल बैच भी है साइकोलॉजी के बैच में जो बच्चा रहेगा उसको ऑल ओवर फायदा है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हिंदी में क्वेश्चन है एस में हर जगह है तो वो साइकोलॉजी के ही जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वही घुल मिल के आ जाता है तो अभी मैं साइकोलॉजी की कुछ स्पेशल वीडियोज और एड कर दूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड की तो कुल मिला के आपका साइकोलॉजी का कंटेंट यहाँ पर डन हो गया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जो पढ़ा है यूज है हिंदी इंग्लिश विद इन टेन डेज में करवा दूंगी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पेपर पहले से आसान हुआ है मुश्किल नहीं हुआ है ठीक है तो ज ऑल अबाउट आई होप आपको सब क्लियर होगा अब बात आती है YouTube स्टूडेंट्स की मैम अभी के लिए तो मेरी एक ही क्लास रहेगी YouTube पे बी फ्रेंक अभी के लिए एक ही क्लास है 9 से 10 ही रहेगी साढ़े आठ बजे तक तो काम नहीं हो पाता मैंने देख लिया 9 से 10 ही रहेगी उसके अंदर आज आपको असेसमेंट इवेल्युएशन मेजरमेंट के ही क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि वही चैप्टर आज खत्म करना है मैंने तो उसी के क्वेश्चन करवा दूंगी ठीक है तो आपको वही क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर मैं करवा दूंगी जितने भी ये चैप्टर सबके क्वेश्चन में वाई के ऊपर आपको करवा के देगी कोई टेंशन नहीं है ठीक है साइकोलॉजी की कंप्लीट प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी हिंदी इंग्लिश

Uh, जिसके पास नहीं है बल्कि वो भी ले लो बुक में तो आपको ज्यादा कंटेंट मिल गया ठीक है क्वेश्चन भी है बुक के अंदर बाई बुक है बिल्कुल हर चैप्टर के क्वेश्चन भी हैं ठीक है भाई so, भाई सो क्लियर चलो बाय अब इंग्लिश वाले बच्चे आ जाओ फटाफट फ़ड़, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस और डिस्क्राइब कर देती हूँ हिंदी इंग्लिश का ऑलरेडी कर दिया है ठीक है जो पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जरूर जुड़े हमसे जरूर जुड़े और एसेट तो पहले हम 100 परसेंट पास करवाते थे अब तो 200 परसेंट हो जाएगा और आसान हो गया ठीक है भाई बाय बाय टेक केयर